गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वाटर इमेज के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने मिरर इमेज के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे वाटर इमेज के बारे में। ठीक है, इसको लगाने का तरीका बहुत ही शॉर्टली ट्रिक से मैं बताऊंगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से, जिससे कि आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर वाटर इमेज की कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सको। ठीक है, तो बिना देखे हुए क्वेश्चन आपके सामने लगे हुए हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी है, कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा क्वेश्चंस में। आपको डरने की बात नहीं है कि सर ने डायरेक्टली क्वेश्चन बता दिया, कॉन्सेप्ट को नहीं समझाया। ठीक है, क्वेश्चंस को देखेंगे किस तरीके से लिखा हुआ है, उसके साथ साथ ही मैं आपको कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है दोस्तों कि अगर 3:10 क्या हो रहा है, 3:10 हो रहा है। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि अगर मान लो वाटर क्या होता है, अगर यहाँ पर 3 बज रहा है, ठीक है, आपने एक घड़ी बना ली, सपोज दैट आपने एक घड़ी बना ली और यहाँ पर 3 बज रहा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, ठीक है, 3 बजे कितना हो रहा है, 10 मिनट। ठीक है, ये सेकंड मान लीजिए आपने और ये मिनट। ठीक है, तो अगर आपको वाटर इमेज बनानी हो तो क्या आप, जैसे कि नीचे वाटर रहता है और सामने क्या होता है, मिरर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, मिरर, ये क्या होता है, वाटर। ठीक है, अगर आपको देखना हो कि 3:10 हो रहा है तो क्या आप वाटर इमेज बना लोगे, आप बोलोगे हाँ सर ट्राई कर सकते हैं, बट आपको नहीं बना पाओगे। ठीक है, बना लोगे लेकिन 99% क्या होती है कि गलती है बनाओ। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप सेकंडों में इसको निकाल सकते हो, कि अगर आपसे पूछते हैं कि 3:10 हो रहा है तो आप हमने अगर अच्छी तरीके से करोगे तो दिमाग में ही निकाल लोगे। ठीक है, इसमें अगर बोलते हैं कि 3:10 हो रहा है तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो इसे हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं किस तरीके से होता है। तो पहले हल लिख दिया मैंने, अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना होता है, एक आपको सिंपल यहाँ पर लिख दीजिएगा कि अगर 3:10 लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, 7:30 को ऐड करना होता है। ठीक है, आपको ये चीज़ें क्या है याद रखने वाली चीज़ें, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, याद करें। ठीक है, आपको 7:30 ऐड करना होगा, पहली बात, और दूसरी बात कि अगर 7:30 और जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपने 7:30 लिख दिया, ठीक है, कोई भी टाइमिंग आए, 7:03:10, 8:10, 5:10, 9:06:03:02, तो आपको डरना नहीं है, आपको क्या करना है कि 7:30 को ऐड करना है। तो आपने ऐड किया, 0 आया, 3 1 4, ठीक है, 7 3 10, तो आपने क्या देखा कि 10:40 आ गया। तो आप क्या करोगे, ये राइट आंसर नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप अब आपको क्या करना होगा, इसके बाद क्या करना है, ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ये चीज़ याद रखिएगा, आपको हमेशा 7:30 ऐड करना है। ठीक है, अब देखिए 7:40 आ गया तो ये आपका आंसर नहीं है। अब इसके आगे आपको क्या करना है, अगर 10:40 आ गया, अब आपको क्या करना होगा कि इसको घटाना किसमें से, ये ऐड करना है, ये आपको पहली बात याद रखनी है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि आपको हमेशा जो भी ये समय निकलेगा ऐड करने के बाद, उसमें आपको क्या करना है, किसमें से घटाना है आपको दोस्तों, 12:60 में से क्या करना है, घटाना है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, बहुत सवाल से सीख जाओगे। देखिए, अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने कहा कि 12:60 से घटाना है, तो क्या करना है आपको, 12:60 आपने लिख लिया, अब आपने 10:40 को घटा दिया, कितना है, 60 में से 4 जाए 20, 40 जाए 20, और 12 में से कैसेगा 2। ठीक है, तो ये जो चीज़ है 2:20, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं नीचे देख लेता हूँ, थोड़ा सॉरी चाहूँगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3:10 की टाइमिंग पूछी थी, पूछ रहा था कि अगर 3:10 हो रहा है तो इसका जल प्रतिबिंब बताइए, 3:10 हो रहा था। तो जैसा कि मैंने बताया, आपको याद करने की चीज़ कि आपको 7:30 हमेशा ऐड करना है, ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात याद रखनी है कि जब आप ऐड कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखिए उसके बाद आपको करना है कि 12:60 से उस जो टाइमिंग को जो आपने ऐड किया है उसको घटा देना है। ठीक है, तो 3:10 हो रहा है,
3:10, 7:30 को ऐड किया तो आया 10:40। अब क्या करना है कि आपको 12:07 में से, ठीक है, 10:40 को घटा देना है और जो टाइमिंग आएगी वही आपका क्या हो जाएगा, वाटर इमेज होगी। ठीक है, वाटर इमेज। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और भी आसानी से समझते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 2:10 हो रहा है, 2:10 हो रहा है तो इसका जलप्रपात बताइए। अब आपको याद रखने की बात, यहाँ पे मैं आपको हमेशा लिखता जाऊँगा क्वेश्चन में, याद रखने की बात, आपको क्या करना है, प्लस करना है 7:30, माइनस करना है उसके बाद, माइनस क्या करना है 12:60 से क्या करना है, माइनस कर देना है जो आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए 2:10 है, 2:10 लिख लिया, 7:30 को ऐड कर दिया, कितना आया 40, 9:40 आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये तो आ गया, अब आपको दूसरा, ये आपका पहला स्टेप हो गया। ठीक है, अब स्टेप सेकंड, आपको क्या करना है 12:60 से 9:40 को घटा देना है। ठीक है, अब आप जो 9:40 घटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, क्योंकि 7:40 आएगा 20 आ जाएगा और 12:09 जाएगा तो 9, 1, 10, 11, 12 मतलब 3:20 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी वाटर इमेज। ठीक है, तो इस आसानी तरीके से आपको कौन बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा, इतना आसान तरीका कोई भी नहीं बताएगा आपको। ठीक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आसानी से मैंने समझाया आपको। एक क्वेश्चन और देता हूँ, ये देखिए कैसे लगेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है 4:10, सिंपल याद रखने की बात, आपको 7:30 को प्लस करना है, 12:60 से आपको घटाना है जो टाइमिंग, जो टाइम आपका 7:30 ऐड करने पर आया है। ठीक है, अब देखिए 4:10 लिखा हमने, 7:30 को ऐड किया, यहाँ पे आया 40। ठीक है, और 7 × 3 = 11 मतलब 11:40 आपका आ गया। ये आपका क्या सर फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब हमारा सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा कि आपको क्या करना है 12:60 में से क्या कितना घटा देना है 11:40। क्यों, क्योंकि आपको ये जो चीज़ आएगी उसको घटाना है तो 60 में से आ जाएगा 20, ये हमेशा 20 ही आ रहा है, बहुत लकी है। अब देखिए इसमें से एक आया मतलब 1:20 आपका आंसर आ गया, तो आपका 1:20 क्या हो जाएगा आपका वाटर इमेज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को लगाते हैं और इस तरीके से आपको समझ लग जाएगा क्वेश्चन। इसमें एक और स्टेप है और आप देखिए धीरे धीरे सीखिए। ठीक है ना, आप धीरे धीरे सीखेंगे ना तो अच्छा रहेगा। अब आपको मैं एक ही बार में सर बता दूंगा तो समझ में आपको दिक्कत कर लगेगी। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, 7:30 को आपको ऐड करना है जो टाइमिंग रहेगा। दूसरी बात, जितना आपका समय निकला 7:30 ऐड करने के बाद आपको 12:60 में से उस समय को घटा देना है, जो आया वही आपकी वाटर इमेज हो जाएगी। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ उसके बाद टेस्ट का क्वेश्चन। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मैंने अभी अभी जस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3:15 है तो उसका जनप्रतिबिंब आपको बताना है, निकालना है। आप कभी भी मत भूलिएगा 3:15 लिखिए। ठीक है, इसमें 7:30 को ऐड करिए, ये हमारा क्या है पहला स्टेप। ओके, तो आप यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 45। ठीक है, और ये 7 × 3 = 10। ठीक है, 10:45 आ गया। अब आपको क्या करना है कि 12:60 में से, ये हमारा क्या है सेकंड स्टेप, 12:60 से आपको 10:45 को घटा देना है। ठीक है, 45, 5, 50, 60 मतलब 15 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया मतलब 2:15 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आज आपने वाटर इमेज की ये जो मैंने आपको स्टेप बताया है, इस तरीके से अगर भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत समझ जाओ। ठीक है, एक और स्टेप है जो कि मैं कल बताऊंगा, लेकिन
इससे पहले आपका टेस्ट हो जाता है, होमवर्क, ठीक है, SW जिसको बोलते हैं, एक देता हूँ आपको, वो लगाना है, ठीक है। आपको बताना है कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चार क्वेश्चन भी दूंगा, ठीक है। बताना है आपको कि सबकी क्या बतानी है आपको, वाटर इमेज, ठीक है। तो आपको बताना है कि 6:20 की और 3:08 की, 2:17 की और 5:10 की, ठीक है। तो आप मुझे इन चारों का आंसर आप दे सकते हो, होमवर्क है आपका, बहुत ही सिंपल है, जो नहीं आएगा पूछ लीजिएगा सर ये वाला क्वेश्चन है कैसे लगेगा, ठीक है। और आपको ये जो आंसर देना है मुझे किसमें, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। और एक बात और कि मैं जल्द से जल्द ट्राई करूँगा कि मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा पाऊँ, ठीक है। थैंक यू।